इस मूवी में एक लैम एक फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। एक लेडी उसे इंसानों की तरह अपने साथ नहला रही होती है। अब ये फैमिली उस लैम के साथ इंसानों की तरह ट्रीट क्यों कर रही थी? अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे हॉर्स फ्रोस्टी माउंटेन्स पर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी सडनली उनके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से वो डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो चीज क्या थी ये तो हम भी नहीं देख, लेकिन एक अजीब सी आवाज हमें भी सुनाई देती है। इसका मतलब वो कोई जानवर भी हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक फार्म पर जाता है जहाँ पर हम बहुत सारी शिप्स को देखते हैं और वो भी सडन डर जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रहे हो। वो एक फार्म से निकलकर दूसरे फार्म में चले जाते हैं, लेकिन एक शिप पीछे रह गई थी और उसकी हालात भी काफी खराब लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बस वो अब मरने वाली है। अब यहाँ पर वो सारे शिप्स फार्म में खड़े होकर बाहर देख रहे होते हैं और वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर तूफान आ रहा था। इसके बाद हमें उस फर्म के ओनर दिखाए जाते हैं और वो दो हस्बैंड वाइफ थे। उसमें वाइफ का नाम मारिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया और उसका हस्बैंड अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं असल में यहाँ पर टाइम जंप हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर हरियाली है और धूप भी गिरी हुई है, लेकिन पहले बर्फ पड़ रही थी। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि शिप्स के बाल भी काट दिए गए। इसका मतलब ये है कि काफी टाइम गुजर चुका है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ काफी सिंपल थी क्योंकि ये सिटी से काफी दूर एक घर में रहते थे और इनके पास और कोई है भी नहीं, बस ये खुद है और उनके एनिमल्स है। इन एनिमल्स पे शिप्स के अलावा उनका एक डॉग था और एक बिल्ली थी और यहाँ पर उनके शिप्स बर्थ दे रही थी और मारिया उनकी हेल्प कर रही थी। खाना खाते टाइम उसके हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, जिसमें मारिया कहती है कि इसका मतलब है कि जल्द ही ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच काफ़ी गैप है। किसी मैरिड कपल की तरह वो बिल्कुल नहीं रहते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते। हंसना तो बहुत दूर की बात है और सोते भी एक दूसरे से अलग है। इनकी वजह ये है कि इनकी एक बेटी होने वाली थी जिसका नाम इन्होंने आधा रखना था, लेकिन वो बच्ची पैदा होते ही मर गई। तभी से इन दोनों के बीच गैप आ गया क्योंकि एक तो इनके लाइफ पहले से ही सैड थी और एक खुशी जो आने वाली थी वो भी दुख में बदल गई। जो न्यू लैम्स होते हैं उनकी ये लोग मार्केटिंग कर रहे थे जो कि हर साल हुआ करती थी। तब मारिया कहती है कि इस साल सबसे अच्छा रहा था क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा लैम्स पैदा हुए हैं, और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो उनका डॉग चिल्लाने लगता है क्योंकि उस टाइम शिप बर्थ दे रही थी। इसीलिए मारिया उसकी हेल्प करती है और उस शिप्स का जो बच्चा पैदा हुआ था उसे देखकर ये लोग काफ़ी टेंस्ड काफ़ी परेशान काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि शिप का वो बच्चा बाकी लैम से अलग था। मार्केटिंग तो दूर की बात है, वो उसे फार्म में भी नहीं छोड़ते, वो उसे उठाकर घर में ले आते हैं और अब वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रहे थे। और क्योंकि अब वो फीमेल थी तो वो उसका नाम आधा ही रख देते हैं, यानी जो नाम उन्होंने अपने बेटी के लिए डिसाइड किया था, यानी इसका मतलब उनकी खुशी अब वापस आ गई थी। और अब दूसरे तरफ उन्होंने खुशी छीन भी ली थी क्योंकि लैम की जो असली माँ थी वो काफ़ी दुख में थी क्योंकि उसकी बच्ची को उन्होंने छीन जो लिया था, लेकिन इस बात से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे, यानी अगर कहा जाए तो अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट दिन मारिया जब फार्म में जाती है तभी उस लैम की मदर यानी वो शिप काफ़ी परेशान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मारिया से पूछ रही हो कि उसका बच्चा कहाँ है, और क्योंकि वो जानवर था और बोल भी नहीं सकता था इसीलिए वो लोग उसका बच्चा उससे छीन लिया था। लैम को वापिस करने की बजाय वो उसे गोद में उठाकर घूम रही थी क्योंकि ऐसा करने से उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ये देखकर मारिया का हस्बैंड काफ़ी हैरान होता है, लेकिन जल्दी वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन असली माँ को कौन समझा था? नेक्स्ट डे उसकी माँ फार्म से निकलकर उन लोगों के घर के बाहर खड़े होकर अपने बच्चे को आवाज़ लगाती है और बच्चा भी अंदर से सुन रहा था। तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे आकर उसे भगा देते हैं। वो शिप भी पूरा दिन
चिल्लाती रहती है। वो दोनों तो ऐसे हो गए थे जैसे उन दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। एक दिन मारिया ट्रैक्टर लेकर निकल जाती है और उसका हस्बैंड भी अपने काम में लग जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपने घर का डोर बंद करना भूल गया था। और काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद जब वो घर वापिस आते हैं तब उनको घर में आधा नहीं मिलती। तब वो दोनों काफ़ी परेशान होने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता ही नहीं चलता। अब ऐसे उसको ढूंढते हुए वो दोनों घर से काफ़ी दूर आ जाते हैं और तब उन्हें जाकर पहाड़ों में आधा मिल जाती है अपनी असली माँ के साथ। आधा को वहाँ पर देख कर उनकी जान में जान आती है। अगर ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचते तो पता नहीं वो शिप लैम को कहाँ ले जाती। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि इस लैम के लिए इतना ड्रामा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज देती हूँ, असल में आधा कोई नॉर्मल लैम नहीं थी बल्कि वो एक हाइब्रिड थी, एक आधी भेड़ और एक आधी इंसान। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ उसके लिए इतना पागल हो रहे थे, इसीलिए उसे गॉड के तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट समझ रहे थे। लेकिन उस शिप के लिए ये उसका बच्चा है। अब वो शिप उनके पीछे ही आ रही थी लेकिन मारिया उसे चिल्लाकर भगा देती है। अब वो लैम्ब यानी आधा पर इसीलिए हक जमा रही थी क्योंकि वो आधी इंसान थी, क्योंकि अगर ये पूरा लैम्ब होता तो वो इसके साथ भी वैसे ही करते जो बाकियों के साथ करते हैं। इसके बाद फिर से एक बार टाइम जंप होता है और हम देखते हैं यहाँ पर आधा बहुत बड़ी हो चुकी है और अब वो अपने से ही चल फिर पाती है और ये दोनों भी अब उससे उतना ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। इतने टाइम से ना तो यहाँ पर कोई आया ना ही आधा को लेकर कोई बाहर गया और इनका ये सीक्रेट अभी भी पूरी तरह से छुपा हुआ था। लेकिन आज कुछ लोग एक आदमी को वहाँ पर छोड़ जाते हैं और वो आदमी फार्म की तरफ ही जा रहा था। और उधर मारिया को काफी अजीब तरह की ड्रीम्स आ रही थी जिसमें उसे भयानक मेल शेप दिखाई दे रहे थे। ये शायद उसके लिए वार्निंग थी कि आधा को वापस कर दो। देन मारिया जब ड्रीम से जागती है तब आधा की मदर बाहर खड़ी होकर उसे बुला रही थी। यहाँ पर मारिया परेशान हो चुकी थी इसलिए वो एक गन लेकर सीधा उसके पास जाती है। यहाँ पर मारिया को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो एक ही झटके में उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसे एक जगह पर लेके उसको दफना देती है। अब मारिया सोच रही थी कि वो उस लैम के माँ को मार कर वो उस बच्चे का हकदार बन गई, यानी अब उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन वो आदमी यहाँ तक पहुँच जाता है और वो मारिया को ऐसा करते देख लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम पीटर है और रात वो वहीं पर ही गुजारता है। और सुबह होने पर हमें पता चलता है वो आदमी असल में मारिया के हस्बैंड का भाई है। इसके बाद वो सब साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तभी वहाँ पर आधा भी आ जाती है और उसे देखकर पीटर काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता आखिर यहाँ पर चल कह रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा का एक हाथ इंसान जैसा है और एक हाथ शिप जैसा। इसके बाद हम देखते हैं मारिया और आधा नकली माँ और बेटी बनकर नहा रही थी और पीटर उनको छुपकर देख रहा था। आधा को देखकर हैरान हो रहा था लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान वो इस बात से हो रहा था कि आखिर वो दोनों इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो तो आधा को ऐसे समझ रहे थे जैसे कि सच में वो इनके बेटी हो। वो तंग आकर मारिया के हस्बैंड से इस बारे में पूछता है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मारिया का हस्बैंड उसे सिर्फ एक ही जवाब देता है, हैप्पीनेस ऑफ गॉड। वो ये भी कहता है कि तुम जब तक चाहो हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो लेकिन हमारी ज़िंदगी से दूर रहना, हमारी लाइफ में किसी भी किस्म के इंटरफेयर मत करना। और पीटर उसका बात मान लेता है। वो उन दोनों के साथ काम कर रहा था और उनके फैमिली का एक पार्ट बन जाता है लेकिन आधा को एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मारिया से बात करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन मारिया उसे सीधी मुँह बात भी नहीं करती। वो मारिया को कहता है आधा एक जानवर है ना कि इंसान, तो ये बात मारिया को काफ़ी बुरी लगती है। इधर आधा भी पीटर के सामने जाने से शर्माती है लेकिन एक दिन वो उसके सामने ड्रम बजाता है, इसीलिए आधा उसके साथ घुल मिल रही थी। और जब वो उसे घास खिला रहा था तो तभी वहाँ पर मारिया का हस्बैंड आ जाता है और ये देख कर वो अपने भाई पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि वो आधा को अपनी बच्ची की तरह समझता है और उनके बच्चे को कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही। और ये बात पीटर को भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे जब वो लोग सो रहे थे तो पीटर आधा को लेकर वहां से चला जाता है। उसके हाथ में एक गन भी थी जिसे देख कर हम समझ जाते हैं कि वो काम तमाम करने वाला है, यानी वो आधा का खेल खत्म करने वाला है।
वो अदा पर गन पॉइंट कर देता है और मारिया वहाँ पर अदा को ना पाकर काफ़ी घबरा गई थी। और जब वो पूरा घर को चेक करती है तो उसे अदा मिल भी जाती है पीटर के साथ। अदा पीटर की गोद में सो रही थी क्योंकि अदा की मासूमियत ने पीटर का दिल भी पिघला दिया था, इसलिए पीटर ने उसे नहीं मारा। और अब पीटर भी उनके फैमिली का पार्ट बन गया था क्योंकि उसने अदा को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद एक बार फिर से टाइम जंप करता है जहाँ मारिया अदा को असली अदा की कब्र पर ले जाती है, यानी अपनी बेटी की कब्र पर। यहाँ भी पीटर पूरी तरह से अदा का अंकल बन चुका था। वो अदा को एक ट्रैक्टर में बैठा कर फिशिंग के लिए लेकर जाता है और उधर मारिया और उसके हस्बैंड अकेले होते हैं। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, इसलिए वो ट्रैक्टर को ही छोड़कर पैदल घर आ जाते हैं। वो सभी साथ बैठकर टीवी देख रहे होते। इस टाइम वो तीनों ही शराब के नशे में थे। उनकी नाच गानों से परेशान होकर अदा घर से बाहर चली जाती है और बाहर भी उनका डॉग अदा को ही घूम रहा था। उसे देखकर अदा भी काफी डर जाती है और जब डॉग उसकी तरफ भागता है तो अदा जल्दी से भागकर एक शेड में चली जाती है। वो मिरर में अपना फेस देखती है जो उसके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि गन गायब थी और मारिया का हस्बैंड सो जाता है और अदा भी उसके साथ सो रही होती है, लेकिन तभी उसे काफी डर लग रहा था और मौके का फायदा उठाकर पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है ये कहकर कि मैं इस लैम की असली माँ को जानता हूँ जिसे तुमने मार दिया, मैंने देखा था। अब क्योंकि मारिया नहीं चाहती थी कि अदा को उसका सच पता चले क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी फैमिली टूट जाएगी, इसीलिए वो पीटर की बात मानने के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन असल में ये उसकी एक ट्रिक थी क्योंकि इसके बाद वो पीटर को एक रूम में बंद कर दी। नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड के जागने से पहले ही पीटर को एक बस में बैठाने के लिए उसे ले जाती है और पीछे से अदा ही मारिया के हस्बैंड को नाश्ता देती है। इसके बाद वो दोनों ट्रैक्टर को वापस लाने के लिए चले जाते हैं। मारिया का हस्बैंड अदा को बता रहा होता है कि अगर कभी तुम कहीं खो गई तो तुम कैसे घर वापस आ सकती, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है तो तुम इसीलिए वापस आ सकती हो। मारिया जब घर वापस आती है तो घर में वो दोनों ही नहीं मिलते और तभी अचानक से उसे गोली चलने की आवाज आती है, इसीलिए वो उसी तरह भागती है जहाँ उसे गोली की आवाज आई थी। असल में वो गोली मारिया के हस्बैंड के गले में लगी थी। अब क्या ये गोली अदा ने चलाई थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गोली चलाई होती है एक बड़े हाइब्रिड ने, आधा शिप और आधा इंसान। यहाँ पर अदा मारिया के हस्बैंड को मरता हुआ देख रही होती है। वो बड़ा हाइब्रिड उसे अपने साथ ले जाता है। मारिया का हस्बैंड उसे टोक, लेकिन उसका कोई भी बस नहीं चलता। उसकी आंखों के सामने ही वो अदा को अपने साथ ले जाता है। साथ साथ अदा भी काफी दुखी थी। इसके बाद मारिया भी अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो इतना इंजोर्ड था कि वो उसे कुछ भी बताने के काबिल नहीं था और अब देखते ही देखते वो मर जाता है। और अब मारिया को कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उसके हस्बैंड को किसने मारा और अदा कहाँ पर चली गई। वो सोच रही होती है कि क्या पता अदा ही शायद इसको मार कर कहीं चली गई हो। और अब यहाँ पर उनकी सारी खुशियाँ चली गई और दुख फिर से आ गया। और मैं अब आपको कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट बता देती हूँ। असल में वो हाइब्रिड बच्चा यानी अदा उस बड़े हाइब्रिड का था, यानी जिसने मारिया के हस्बैंड को मारा था। और मूवी के स्टार्टिंग में भी हमें उसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया जब वो हॉर्स पहाड़ों से होता हुआ फार्म की तरफ जा रहे थे और तब हॉर्स उसे देखकर भाग गए। जब वो फार्म पहुंचता है तो शिप उसे देखकर फार्म से भाग रही थी, लेकिन एक शिप को उसने पकड़ लिया जिसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसने इसके साथ कुछ कर दिया था। फिर वो शिप ने हाइब्रिड बच्चा जन्म दिया जिसे गॉड गिफ्ट समझकर हस्बैंड वाइफ दोनों ने उसको रख लिया। अब उसकी माँ बीच में आ रही थी इसीलिए उन्होंने उस शिप को मार दिया। वो शिप यानी हाइब्रिड बच्चे की माँ इसीलिए उसे लेकर भाग रही थी क्योंकि वो जानती थी कि बड़ा हाइब्रिड कहाँ होगा, क्योंकि ये बच्चा उसी बड़ा हाइब्रिड का था। वो उस बच्चे को उसी के पास ले जा रही थी क्योंकि वो बड़ा हाइब्रिड पहले भी यहाँ पर आ रहा था। फिर जब वो नीचे आया ना तो उसका बच्चा मिला ना ही उसके माँ। जब बाकी शिप्स ने मारिया और उसके हस्बैंड के बारे में बताया तो इसीलिए उसने मारिया के हस्बैंड को मार दिया क्योंकि इसी तरह से उसने अपने बच्चे को आजाद किया और यहाँ पर टीट फॉर टैट हो गया। मारिया ने उसकी माँ को मारकर उसका बच्चा छीन लिया और उस हाइब्रिड ने मारिया के हस्बैंड को मारकर उसका बच्चा वापस ले लिया। इससे हमें एक डीप मैसेज मिलता है कि अगर आप किसी भी क्रिएचर को नुकसान पहुंचाओगे तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जैसे वो आपके सामने बेबस है वैसे आप भी किसी के सामने बेबस होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये बड़ा हाइब्रिड आखिर था कौन, वो कैसे यहाँ पर आया। असल में वो एक मिस्टिकल क्रिएचर था
जो कि पहाड़ों में रहता था। और क्योंकि मारिया और उसके हस्बैंड टाइम ट्रेवल की बात कर रहे होते हैं, क्या पता वो फ्यूचर से आया हो। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।